अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे CSS 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो कहा गया है कि तारिक कोई भी काम है, टेलरिंग का काम है, वो 6 घंटे में कर रहा है। से सपोज हमने इसको अज्यूम किया कि ये T1 है। सिमिलरली साजिद को टाइम लग रहा है 4 आवर्स, वो आपका हो गया T2। इसी तरह इरफान को जो टाइम लग रहा है वो है 8 आवर्स, हमने इसको अज्यूम कर लिया T3। ठीक है जी। अब उसके बाद वो कह रहा है कि तारिक और साजिद इकट्ठे काम करें तो उनको बेसिकली कितना टाइम लगेगा। उसके लिए सिंपल फार्मूला है कि T1 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। तो अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो इनको कितनी देर लगेगी, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 10। तो इट मीन्स 2.4 आवर्स इनको लगेंगे। अगर तारिक और साजिद काम करें तो उनको ये काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, मिल के काम करने में 2.4 आवर्स लगेंगे। ठीक हो गया। अब तारिक और इरफान अगर काम करें तो उनको कितना टाइम लगेगा। तारिक का टाइम है T1 और इरफान का टाइम है T3। T1 मल्टीप्लाई बाय T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T3। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8, ये हो गया 48, ये हो गया 14। तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा 3.4 लगभग 3 आवर्स। इंडिविजुअल टाइम इनका ये था 6 आवर 4 आवर 8 आवर, पर अगर तारिक और साजिद मिलके काम करें तो उनको टाइम कितना लग रहा है, 2.4 आवर्स। और इसी तरह तारिक और इरफान मिलके काम करें तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 3.43 आवर्स। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों ने मिलके काम किया कितनी देर तक। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी है कि 2 घंटे तक उन्होंने मिलके काम किया, 2 आवर्स तक। आफ्टर 2 आवर्स साजिद को रिप्लेस किया किसने, इरफान ने। बाय देन 2 आवर्स तक इन्होंने कितने परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, 2.4 आवर्स लग रहा है टाइम तारिक और साजिद को। अब हम देखते हैं कि इन्होंने परसेंटेज ऑफ वर्क में कितना काम कर लिया है। तो परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय तारिक एंड साजिद, तो इन्होंने मिलके कितना परसेंट ऑफ वर्क कर लिया है। इन्होंने मिलके काम किया है 2 घंटे, तो 2 डिवाइडेड बाय इनको टाइम कितना लगना था, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दैट विल मेक इट 83.333%। तो 83.33% ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय तारिक एंड साजिद। अब इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है, वो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू आपका 16.66%। इतना परसेंट काम रहता है। अब तारिक और इरफान इकट्ठे काम करते तो इनको लगता 3.43 आवर्स अगर काम 100% रिमेनिंग होता, पर क्योंकि रिमेनिंग वर्क कितना है 16%, तो हम इसका 16% निकाल लेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो परसेंटेज टाइम नीडेड टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 16.66%, का मतलब 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.43। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 0.57 आवर्स लगेंगे। तो आपका 0.57 आवर्स एक जो काम कर रहे हैं तारिक और इरफान, और 2 आवर्स काम कर रहे हैं तारिक एंड साजिद। तो टोटल आपका टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 प्लस 0.57। ये 0.57 काम किसने किया है, तारिक
एंड साजिद ने और सॉरी तारिक एंड इरफान ने, और ये काम किसने किया है, तारिक एंड साजिद ने, जो स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2.57 आवर्स। नाउ दिस इज योर आंसर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। CSS 2020 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ये बेसिक अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आपको अर्थमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन गिवन है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है 9 + 8 - 5। 9 + 8 आपको पता है कि 17, 17 में से 5 माइनस कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 12। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 12 है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी 12 आना चाहिए, तो लिहाजा 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब 12 आए, वो नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, 6 होगा, तो आपका तब जाके आंसर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 5। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, तो इस तरफ आया है 60 जवाब, तो उस तरफ भी 60 आने के लिए 41 में हम क्या ऐड करें कि 60 हो जाए, तो हम क्या ऐड करेंगे, 19 ऐड करेंगे, तो ये भी हो जाएगा 60। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक में आना चाहिए 19। 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 27, 27 में से 14 माइनस कर दें तो आपका जवाब क्या आएगा, 13। अब 24 में से क्या माइनस करें कि जवाब 13 आए, ऑब्वियसली यहां पे जवाब क्या आएगा, 11। 11 माइनस करेंगे तो जवाब 13 आएगा। 24 डिवाइडेड बाय 4 6, 6 प्लस 5 11। अब 66 को किससे डिवाइड करें कि जवाब 11 आए, 66 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो जवाब 11 आएगा। और फाइनली द लास्ट क्वेश्चन 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 48, 48 में से हमने माइनस कर दिए 13 तो हो गया 35 प्लस 3 38। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 38 है तो राइट हैंड साइड पे भी 38 होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड पे हमारा 7 × 6 42, 42 में से क्या माइनस करें कि जवाब आपका क्या आना चाहिए, 38। तो 42 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 38। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट CSS 2020, यहाँ पे मैंने बी लिखा हुआ है, ये एक्चुअली है सी पार्ट। तो इसमें आपको स्टैट्स का क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपने निकालना है मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले मीन, जैसा कि आपको मालूम है मीन किसके बराबर है, सम ऑफ वैल्यूज टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं कि ग्रुप ऑफ जो है यहाँ पे एजेस ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स गिवन है, जिसमें ग्रुप में 17 17, 18 18 18, 19 19। तो इसमें आपने सम ऑफ वैल्यूज, इन वैल्यूज का सम करना है और डिवाइडेड बाय उनका नंबर, प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 19 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाइड होके कितना आएगा, 126 डिवाइडेड बाय 7। और अगर इसको हम आंसर निकालें तो ये आपका आंसर आएगा 18। तो आपको मीन मिल जाएगा। नेक्स्ट उसने पूछा है कि मीडियन क्या है। मीडियन बेसिकली इज डिफाइंड एज मिडिल वैल्यू इन अ ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज। शर्त ये होनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ नंबर शुड बी वेल ऑर्गेनाइज। अब ये वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ नंबर है, इसमें मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू मतलब 3 हमने यहाँ से छोड़ दिए, 3 हमने यहाँ से, सो दिस इज द मिडिल वैल्यू। तो ऑब्वियसली योर मीडियन इज वॉट, अगेन इट इज 18। मीन इज ऑल्सो 18, मीडियन इज ऑल्सो 18। एंड सिमिलरली मोड, मोड इज मोस्ट रिपीटेड नंबर इन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर इसमें कौन सा है, इस ग्रुप ऑफ नंबर्स में ऑब्वियसली 18 है, वो 3 दफा आ चुका है, तो आपका मोड भी क्या होगा, वो भी 18 होगा।
फाइनली आपको कहा गया है कि रेंज, रेंज क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर इन अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 19 और लोएस्ट नंबर क्या है 17, 19 माइनस 17 2, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 17 टू 19, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। सो ये चारों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आपकी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।